स्वागत है आप सबका मेरे YouTube क्लास में। बहुत दिन बाद आज दोबारा आप लोगों से मैं मुखातिब हुआ हूँ। तो आज हम लोगों को प्रोटीन के बारे में जानना है और थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा। जैसे आप देख सकते हैं, प्रोटीन जो है वो ग्रीक भाषा की एक शब्द से बना है जिसका नाम है प्रोटियोस, यानी कि ग्रीक भाषा के प्रोटियोस नामक शब्द से प्रोटीन बना है। प्रोटीन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर निर्माता। शरीर निर्माता प्रोटीन शब्द का या प्रोटियो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। प्रोटीन एक से अधिक प्रोटीन जो है वो प्रोटीन एक से अधिक एमिनो अम्लों से मिलकर बना है, यानी कि प्रोटीन एक से अधिक एमिनो अम्लों के मिलने से बनता है। फिर हम लोग कह सकते हैं प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनता है। प्रोटीन टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है, तो प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से एमिनो अम्ल बनता है, एमिनो एसिड बनता है। और प्रोटीन लगभग 1000 प्रकार के होते हैं, 1000 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब जैसे हमने कुछ प्रोटीनों का नाम और वो किस में पाया जाता है ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अंडा में। ये है क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है बाल और बाल पक्षियों के पंख, नाखून इत्यादि में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। दूध पीने से केसिन प्रोटीन प्राप्त होता है। और जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है आरबीसी में। इसके अलावा ब्लड में और भी लगभग 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जैसे थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये सभी प्रोटीन, यानी कि थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन ये ब्लड में पाए जाते हैं। उसी तरह से ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड का प्राचीन वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। एक को हम लोग कहते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, दूसरे को कहते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। वैसा एमिनो अम्ल जिसकी आवश्यकता शरीर को होती है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है, और जिस एमिनो अम्ल की आवश्यकता मनुष्य के शरीर को नहीं है, जो एमिनो अम्ल मनुष्य के बॉडी में खुद बन रहे हों, तो वो अनावश्यक एमिनो अम्ल है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये छोटा सा टॉपिक समाप्त हुआ। जय हिंद।